नमस्कार, आगे बढ़ते हैं मुहूर्त पाठ संख्या 9 और हम उम्मीद करते हैं कि आप क्रम से पाठ को पढ़ रहे होंगे। तिथियों की बात कर रहे थे, अचानक से बीच में हम यात्रा मुहूर्त ले लिए तो हमको प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं और हमको यदि लगता है कि नहीं इस तरह से चलना चाहिए तो हम आपकी बातों को भी मान लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि सर आप जो मुहूर्त बताते जा रहे हो वो धीरे धीरे कठिन होता जाएगा और लोगों का जो है ना रुचि नहीं बना रहेगा, वर्तमान में लोगों को क्या क्या चीज़ कर लेना चाहिए उसके विषय में कुछ बता दीजिए तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और वो सभी पाठों को देखेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा। सुझाव हमारे लिए बड़ा अच्छा था। तो नित्य कर्म में जो लोग प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए हमने चौघड़िया मुहूर्त को ले लिया। अब हमेशा किसी न किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है तो उसके लिए हमेशा लोग किसी न किसी ज्योतिषाचार्य या किसी मंदिर के पंडित या और किसी ब्राह्मण के ऊपर आश्रित हो जाते हैं या फिर जिसके पास ज्ञान है उससे पूछते हैं, लेकिन वो आपको कितना बता पाता है और कितना सही बता पाता है ये आपके अंदर ये समझने का सामर्थ्य नहीं होता। इसीलिए कुछ पाठों को भी यदि आप याद रखेंगे तो अपने छोटे मोटे कामों को करते रहेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। तो उसी क्रम में हमने चौघड़िया मुहूर्त भी ले लिया और अब ये यात्रा मुहूर्त। ये यात्रा मुहूर्त बहुत बड़ा है लेकिन धीरे धीरे ये चलता रहेगा। अब हम सबसे पहले यात्रा मुहूर्त ही खत्म कर लेंगे, आगे हम तिथियों का ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, योग करण का ज्ञान ये देते रहेंगे। तो हम जो पिछले कक्षा में बात किए थे कि दिशा को दो भागों में बांटा था, एक तो डायरेक्ट पूरब तो पूरब, पश्चिम तो पश्चिम, उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण, और उसके बाद कोणीय दिशा की बात की थी जिसमें ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य होता है। तो अगर हम इस चीज को याद रख लें तो हमारे लिए सरल हो जाएगा। उस दिन सिर्फ दिशा सूल बताए थे, छोटा पाठ बनाए, क्यों कि आपको ये याद हो जाए कि यदि हमको पूर्व दिशा में जाना है तो सोमवार और शनिवार को त्याग देना है, उस दिन उस दिशा में दिशाशूल होता है। दक्षिण की ओर जाना है तो गुरुवार के दिन हम जाने से परहेज करेंगे। पश्चिम की ओर यदि जाना है तो रविवार और शुक्रवार इसका ग्रहण नहीं करेंगे, इसको लेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। और उत्तर दिशा में जाना है तो मंगलवार और बुधवार, ये त्याज्य दिशा उस दिन बताया गया है, इसको समझिएगा। अब हमने ग्रहण नहीं करेंगे, त्याग देंगे, त्याज्य दिशा बताया गया, ऐसे शब्दों का इसलिए प्रयोग करते हैं कि जब आप शास्त्र की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे ताकि आपके समझ में आना चाहिए। अब ये तो आपको कंठाग्र हो गया होगा, इसमें तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। अब क्या है कि इसके साथ यदि ये नक्षत्र हो जाए ना, तब तो आपको चाह करके भी यात्रा नहीं करना चाहिए। अब वो कौन कौन सा नक्षत्र है तो चार दिशा के लिए चार ही नक्षत्र तो बताए गए हैं। नक्षत्र याद करना लोगों को मुश्किल है लेकिन अगर धीरे धीरे चाहेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमेशा हम पूर्व दिशा से जब बात करते हैं तो उस दिन दिन कौन सा वर्जित है, सोमवार और शनिवार, पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करना। नक्षत्र कौन सा होना चाहिए तो ज्येष्ठा। अब ये ज्येष्ठा किसका नक्षत्र है तो बुध का नक्षत्र है। तब इससे उस स्वामी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि आपको याद होना चाहिए नक्षत्र उसके स्वामी, इसलिए हमने चर्चा कर लिया। दक्षिण दिशा में जाना है और दक्षिण दिशा को शुभ दिशा नहीं माना गया है। हमारे संस्कृति में पूरब और उत्तर को शुभ माना गया, दक्षिण और पश्चिम को शुभ नहीं माना गया। जब वास्तु प्रकरण में चलेंगे, हमारा कोशिश है, देखिए कब तक हम शुरू कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दक्षिण और पश्चिम को शुभ नहीं माना गया। तो ऐसे शुभ दिशा, ऐसे अशुभ दिशाओं में यात्रा करना हो और हम गुरुवार को चल दिए तो ये वार का थोड़ा सा मान भंग हो जाएगा। इसीलिए दक्षिण दिशा में यात्रा है तो गुरुवार त्याग देते हैं और किसी दिन कर लेंगे।
पश्चिम दिशा में जाना है तो रविवार और शुक्रवार, शुक्रवार को भी बहुत शुभ माना गया और रविवार छुट्टी का दिन होता है तो आपको याद रहेगा। और ये गुरुवार जो दक्षिण दिशा में नहीं जाना, उस दिन कौन सा नक्षत्र नहीं होना चाहिए, पूर्वा भाद्रपद यदि नक्षत्र मिल गया तब ये दोष दोगुना हो गया, फिर आपको मना करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उत्तर दिशा के लिए देखिए मंगलवार और बुधवार, और इसके लिए जो बताया गया वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बताया गया कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको मंगल और बुधवार के दिन उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी है। पश्चिम के लिए रविवार और शुक्रवार, यदि आप पश्चिम दिशा में यात्रा करना चाहते हैं रविवार और शुक्रवार हो और उसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी हो तो हमको पश्चिम के दिशा को त्यागना चाहिए। तो ये चार नक्षत्र है, ज्येष्ठा पूर्वा भाग पर रोहिणी उत्तरा फाल्गुनी, और इसको क्रम से याद कर लीजिए, और ये क्रम से याद हो जाए तो इसको तो आप याद कर ही लेंगे। तो बहुत मुश्किल पाठ अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं, जबकि यात्रा प्रकरण में बहुत कुछ मिलाना होता है, लगन देखें, प्रश्न लगन से देखें, चंद्रमा को भी देखें, वहाँ शुभ ग्रह कहाँ बैठा, अशुभ ग्रह कहाँ बैठा। एक ज्योतिष यदि किसी यात्रा किसी भी मुहूर्त को निकालता है तो वो मुहूर्त इतना साधा हुआ होता है या कहते हैं सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी यदि आप किसी भी प्रकार का कार्य उसमें करते हैं। और ये कार्य के प्रकार को ज्योतिष को बताना होगा कि हमको यात्रा करना है, हमको विवाह करना है, हमको बच्चों का विद्या आरंभ करना है, हमको वास्तु निर्माण का कार्य प्रारंभ करना है, कौन सा कार्य प्रारंभ करना है, किसके लिए, कौन कौन से नक्षत्र योग ग्राह हैं, कौन सा वार उपयुक्त होगा, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो विदिशा है इस पे वर्तमान समय में चर्चा होना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि हर दिशाओं में, हर अलग अलग दिशाओं में, अब तो आगे जब हम आपको वास्तु लेकर के चलेंगे तो दिशा विदिशा तो पढ़ाएंगे ही, साथ में ना 10 दिशाओं की बात होगी। यहाँ अभी जो बात हो रही है वो 8 दिशाओं की बात हो रही है, जिसमें दिशा 4 और विदिशा 4। आप जब पूजा पाठ में जाएंगे तो 10 दिशाओं की रक्षा, 10 दिक्पाल बोलते हैं, और 10 दिक्पाल का मतलब है 10ों दिशाओं के स्वामी कौन है, इसको अलग से देखेंगे। तो यहां अब जो ये दिशा विदिशा के बाद क्या आ जाता है, आकाश, वो एक अलग दिशा है, और पाताल ये भी अलग दिशा है। तो ये 2 दिशाएं मिलकर के और ये 10 होता है, और इसी को 10 दिक् बोलते हैं, अर्थात 10 दिशा बोलते हैं। तो धीरे धीरे सीखेंगे तो सब आएगा, और एक साथ यदि हम आपको दे दिए तो समझ में नहीं आएगा। तो 10 दिक् आज आपके मन में चला गया कि नहीं, 8 ही दिशा नहीं, 10 दिशाओं की बात होगी, तो आप तैयार हो जाएंगे उस चीज को ग्रहण करने के लिए। तो अब विदिशा की बात कर लेते हैं, ईशान। अब आप लोग ये जानते हैं, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, अगर ये पूर्व है तो ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है और ये उत्तर है, इस तरह से चलना है, ये राइट डायरेक्शन में चलना है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, दक्षिण दिशा प्राप्त हो जाएगा, आप अगर राइट मुड़ेंगे, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख हो गया फिर राइट टर्न ले लीजिए तो पश्चिम, और फिर पश्चिम की ओर मुख हो गया तो राइट टर्न ले लीजिए तो उत्तर। ठीक उसी तरह से आप लोग ये विदिशा को समझिएगा, ये ईशान, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये पूर्व और उत्तर दिशा को शुभ कहा गया है, हम सिर्फ आपको ये दिशा शूल की बात नहीं करते, दिशा शूल के क्रम में बहुत कुछ ऐसा ज्ञान दे देते हैं या हम बताने का प्रयास करते हैं जिससे आपको बहुत कुछ हासिल होता रहेगा भविष्य में। तो ये उत्तर और पूर्व के मध्य ईशान होता है, और यही 2 दिशा हमारे लिए शुभ बताया गया। पूर्व मुख में मुख खड़े होकर के प्रार्थना करना चाहिए,
दक्षिण मुख होकर के नहीं करना चाहिए, पश्चिम मुख होकर के नहीं करना चाहिए। अच्छा, धर्मों में विरोध है, अच्छा वो होना भी चाहिए, एक साधारण मान है। भाई भाई में विरोध है तो धर्मों में विरोध कहीं क्यों नहीं होगा? पिता पुत्र में विरोध है, पति पत्नी में विरोध है, तो एक दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म से विरोध करते हैं तो बड़ी बात नहीं है। तो जब सनातन धर्मावलंबी पूर्व दिशा को अपना शुभ दिशा मानते हैं तो इस्लाम धर्मावलंबी पश्चिम दिशा को शुभ मान लेते हैं। अब उसके लिए उनका अपना निर्णय होगा। चलिए, तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है ये मानव कल्याण, ब्रह्मांड का विकास और उसकी सुरक्षा, प्रकृति का संतुलन, इन सबको आधार मान करके और इन सब से हमें क्या प्राप्त होगा और हमसे इनको क्या प्राप्त होगा, हम इसके बीच में बैलेंस कैसे बना करके चलेंगे, वही सनातन धर्म है। और हम धर्म के शब्द का एक जगह सत्य का प्रयोग करते हैं, वही सनातन सत्य है। और उस सनातन सत्य को मानने वाला ये जो हिंदू लोग हैं ये विशेष मानते हैं। अब यहाँ हिंदू धर्मावलंबी भी बोलना चाहिए, क्योंकि अब सनातन धर्म बहुत कम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म ऐसे बोलने लगे हैं, जबकि हमारा धर्म सनातन धर्म है, यही आपको समझना है। तो ईशान से फिर राइट चलेंगे तो ये वाला जो कोण आएगा ये आग्नेय हो जाएगा। अब पूरब और दक्षिण से ही अग्नि की बात होती है तो ये आग्नेय कोण हो जाएगा और ईशान के इधर हमारा नैऋत्य हो जाता है और ये वायव्य हो जाता है। तो इसको यदि क्रम से रख लेंगे तो आप यहाँ भी दाहिने घूमेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। और भूलेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, लोग भूल जाते हैं। तो ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी हिंदी को मदद करता, हिंदी अंग्रेजी को मदद करता। तो यहाँ यदि आपको ये दिशा मालूम है तो सबके लिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसा पढ़ने लगते हैं। तो अब यहाँ ईशान के लिए बुधवार और शनिवार, अगर ये समझ में आता है, आजकल तो मैप आ गया है और गूगल भी बहुत अच्छी तरह से बताता है, अब वो दिशा बता पाता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जरूर आपको मिल जाएगा कि वो हम जहाँ हैं वहाँ से वो कौन से दिशा में है और हमको उस दिशा में यात्रा करना है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न आप लोगों ने में से किसी ने कहा था कि सर हम जहाँ हैं वहाँ से स्थित देखेंगे कि हमारा गाड़ी घूम घूम के जा रहा है, पहले पश्चिम गया फिर उत्तर गया, उसको देखेंगे। तो हम आपसे कहेंगे कि आपका गाड़ी कहीं से भी जाए, किसी भी तरह से चक्कर लगाता हुआ जाए, मुंबई जाना है तो पहले लखनऊ गया हवाई जहाज़, फिर वहाँ से उड़ के मुंबई गया, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप किस दिशा में जाना चाहते हो, आपका गंतव्य क्या है, आपका मंजिल कहाँ है, वो किस दिशा में है, उसका ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ईशान कोण में यदि जाना है तो आपको बुधवार और शनिवार के दिन नहीं जाना, और ईशान से राइट मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आग्नेय। जब आग्नेय कोण में जाना है तो सोमवार और गुरुवार का दिन वर्जित रखें, और नैऋत्य में जाना है फिर आग्नेय से राइट हो जाएंगे तो दक्षिण के बाद नैऋत्य, तो नैऋत्य में जाना है तो रविवार और शुक्रवार हमको नहीं मानना है। तब यहाँ कहेंगे कि यहाँ दक्षिण में गुरुवार है, वहाँ नैऋत्य में, यहाँ आग्नेय में देखिए गुरुवार आया, क्योंकि ये दक्षिण था तो गुरुवार नहीं छूटा। अब यहाँ आपको देखना है कि ये बुधवार है तो ये बुधवार ऊपर पहुँच गया है, यहाँ सोमवार है पूरब में तो ये सोमवार देखिए यहाँ आ चुका है, गुरुवार है दक्षिण में तो आग्नेय में पहले यहाँ गुरुवार है फिर सोमवार हमको लिखना चाहिए था, ठीक है सोमवार के बाद गुरुवार है क्योंकि उसके बाद आएगा। तो ये जो चीज़ है इसको अगर समझेंगे तो आपको यहाँ और यहाँ से समझ में आ जाएगा, और अगर भूल हो जाएगी तो वहाँ भी आपको मदद मिल जाएगा कि कोण में क्या क्या मान लिया गया, उसको भी समझ में आ जाएगा। फिर अभी हम उसको क्लियर करेंगे, नैऋत्य रविवार और शुक्रवार। अब नैऋत्य कौन सा कोना होता है, पहले ये देख लीजिए कि ये दक्षिण और पश्चिम होता है, और दक्षिण दिशा के लिए गुरुवार बोला गया है और पश्चिम दिशा के लिए रविवार और शुक्रवार बोला गया है।
तो यहां नैऋत्य के लिए रविवार और शुक्रवार ये दोनों ले लिया गया। अर्थात आप इसको और इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आप लगातार में लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे वायव्य के लिए मंगलवार, और हम यहां देखते हैं कि उत्तर के लिए यहां मंगलवार है तो ये वायव्य उत्तर के ही और उत्तर और पश्चिम के मध्य होता है तो यहां मंगलवार लिया गया। तो ये यदि कोणीय दिशा जिसको विदिशा कहते हैं अगर इसका भी ध्यान रख लेंगे तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। अच्छा आगे क्या है ना कि अलग अलग प्रांतों में हमने पहले भी चर्चा किया है कि अगर किसी वार को आपको निकलना जरूरी हो जाए तो उस वार को क्या ग्रहण करना चाहिए। इसको मैंने इसलिए रोका हुआ है कि एक साथ वार नक्षत्र ये सब समझ में आ जाएगा तो एक टेबल में बता देंगे। दूसरा चीज क्या है कि यदि सिर्फ वार का परिहार करना है तभी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि नक्षत्र तिथि सब अच्छा मिल गया और वार हमको उसी दिशा में जाने के लिए मजबूर कर रहा है तब हम उस वार के परिहार के लिए वो काम करेंगे। और यदि हम को सारा चीज विरुद्ध हो गया तो परिहार किस काम का। तो जो छोटा छोटा चीज है इसको भी यदि आप 10 दिन प्रयोग कर लेंगे, 10 बार प्रयोग कर लेंगे, 2-3 बारी पढ़ लेंगे सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगले पाठ में हम बताएंगे चंद्रमा को देख करके हम लोग को कैसे चलना चाहिए। यात्रा में चंद्रमा का बहुत महत्व है तो लगातार पढ़ते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अगला पाठ क्या होगा उसमें। और हम हमेशा आप लोगों को कहेंगे कि प्रारंभ से अंत तक सुनिए। आप टेबल देख लिए आपके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ये तो पहले से ही हम बना के रखते हैं तो आप नोट कर लिए और समझ जाइएगा। तो बीच में जो हम उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या करते हैं उससे आप चूक जाएंगे तो इसीलिए पूरा पाठ पढ़िए, पाठ का आनंद मिलेगा और कुछ न कुछ रोज सीखेंगे हम ऐसा उम्मीद रखते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।